इस वक्त मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर के स्टेशन रोड में। यहाँ पर अभी देखने को मिला कि ईद को लेकर के हमारे मुसलमान भाइयों में कुछ ज़्यादा ही हर्ष और उल्लास है। जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम हुआ आसिफ। आसिफ, आसिफ जी ये बताइए इस साल कैसा हर्ष और उल्लास है लोगों में ईद को लेकर के? इस बार तो है ठीक है, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन की वजह से जो है उतना अच्छा तो नहीं हो पाया, और मतलब इस बार तो देख रहे हैं कि हाँ पहले से कुछ अच्छा ही है। तो पहले सालों से यहाँ पर अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ पीछे नज़र आ रही है, पूरा का पूरा स्टेशन रोड जाम है, पूरा भीड़ नज़र आ रही है। बताइए भैया कैसा हर्ष और उल्लास है ईद को लेकर के? इस बार बहुत अच्छा उल्लास है ईद को लेकर के। और हमारे मुसलमान भाइयों में इस साल जैसे कि बहुत सारी करवाहट आई है, बहुत सारे नेताओं द्वारा करवाहट लाने की कोशिश की गई है हिंदू मुस्लिम में, क्या लगता है वो करवाहट आ पाई है? ऐसा कुछ नहीं है, वो सब राजनीतिक है, हम लोग आपस में मेल भाव है, मेल भाव से इस साल ईद मनेगा जी। तो कहीं ना कहीं आइए लेकर के चलते हैं मेन मार्केट में, दिखाते हैं क्या स्थिति है। सेवैयाँ बिक रही हैं यहाँ पर, जितना भी मुसलमान लोगों की आस्था रहती है उसका पूरा तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, पूरा यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से इंतजाम किया गया है जिसका क्या कहना। तो आइए लेकर के चलते हैं। क्योंकि एक दुकान है यहाँ पर, जो ओनर है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है सर इस साल कोरोना के बाद अब इस साल हर्ष और उल्लास से ईद मनेगी? बिल्कुल, पिछले 2-3 सालों में पहली बार ऐसा लग रहा है कि नहीं ईद है, क्योंकि लास्ट 2 और 3 ईयर्स में ऐसा था कि मतलब कि हम लोगों को कस्टमर को ढूंढना पड़ता था, लेकिन इस साल इंशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि नहीं सही मानों में ईद है। लोगों की भीड़ है, लोग आ रहे हैं, कुर्ता पैजामा ले रहे हैं, और हम लोगों को दिल से खुशी इस बात की है कि कोरोना काल के बाद सारे लोग एक साथ ईदगाह में इकट्ठा होंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। तो कैसा मतलब यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है ईद के लिए? ईद के व्यवस्था में मैं यहाँ के जो MLA साहब हैं और यहाँ के जो DM हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की मैं तारीफ़ करता हूँ, उन्होंने अच्छा इंतज़ाम किया है। यहाँ पे सारे रात भर यहाँ की दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी वारदात नहीं हुई है। रात भर दुकानें खुली रही हैं? बिल्कुल, रात भर यहाँ पे 24 आवर्स स्टेशन चौक पे दुकानें खुली रहती हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी लाग नहीं हुई है। इसके लिए मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर हमारे DM साहब और यहाँ के जो MLA हैं अख्तरुल इस्लाम साइन साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो देख सकते हैं आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ पर है, पूरा का पूरा मार्केट जाम हो चुका है, 4 चक्कों से लेकर के 2 चक्कों पे हर यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, शॉपिंग जारी है यहाँ पर। तो तहे दिल से कहीं ना कहीं मुसलमान भाइयों को हमारी ओर से ईद मुबारक। मिलते हैं आपको, आगे की कवरेज दिखाते हैं, पूरे के पूरे ईद की कवरेज मिलेगी। तब तक देखते रहिए सतर्क बिहार, मिलते हैं आगे इसी तरह की वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।